नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश मक्कड़ सहारनपुर से आज मुरादाबाद डॉक्टर प्रेमवती जी के आया हुआ हूँ। डॉक्टर प्रेमवती जी मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हैं, डॉक्टर हैं और समाज की सेवा कर रही हैं, और पिछले कुछ समय से हमारा बायटोरियम का जो मैट्रेस है उसका प्रयोग कर रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस मैट्रेस को प्रयोग करने का डिसीजन क्यों लिया, क्यों प्रेरित हुई इसको यूज करने? तो जो सोकर और पानी पीकर यदि रोग मुक्त हो सकता है या रोग जो आने वाले हैं उनको धता पता चल सकता है, तो फिर ऐसे आइटम ऐसे प्रोडक्ट तो भगवान के भेजे हुए एक तरह से पुरस्कार ही कहना चाहिए। मैंने उसको स्वीकार किया और मैंने तत्काल उसको ले लिया जी। और अपने साथ ही एक हमारे रिश्तेदार हैं मामा जी, उनके बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, अच्छा। एक उनको भी दिलाया साथ साथ जी जी। अच्छा, मैं समझती हूँ कि 20 दिन बाद मुझको इसके परिणाम दिखाई देने लगे और उन परिणामों के साथ वेरिकोज की कुछ हल्की सी शिकायत मुझे लेफ्ट साइड में नी के ऊपर थी और वो एक हल्का सा गुच्छा जैसा बन के ऊपर नसों का ऊपर एक सतह से दिखाई देने लगा था जी। 20 दिन बाद जब देखा तो मालिश करते समय एक्सरसाइज करते समय कि वो अब नहीं है और वहाँ हल्का सा नीला दाग पड़ गया है। अच्छा, तो मुझे जिज्ञासा हुई, फिर मैंने मामा जी को फोन किया वो बच्चे के लिए, बोला वो तो उस दिन से ही खूब सो रहा है और अच्छा। सब ठीक है, जबकि यहाँ तक हो गई थी स्थिति कि दवा खाते खाते 21 वर्ष से वो बच्चा परेशान था और इसी बीच में उसको ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में आने लगी कि क्यों इस दुनिया में रहना है, इतनी ही दवाएं खानी है। उस दिन से उसका मन अवसाद में चला गया था, डिप्रेशन में चला जाता है, कहां तक धन खर्चा करता रहे, कहां तक डॉक्टरों के यहां जाता रहे, तो समय की बर्बादी धन की बर्बादी से जब परेशान हो जाता व्यक्ति तो डिप्रेशन में चला ही जाता है। मगर वो बच्चा आज तक ठीक है, मैं हर दूसरे तीसरे दिन उसको फोन करती हूँ। इसी के साथ साथ हमारा एक मरीज कोरोना का था जिसकी 72 ऑक्सीजन रह गई थी, झोला छाप के यहाँ भर्ती हो गया था। अच्छा। तो धन भी खत्म हो गया था और ये आशा भी खत्म हो गई थी कि बचूंगा नहीं बचूंगा। खैर, मेरे पास जब फोन आया तो मैंने मालूम किया और मैंने मोहित जी से उनको एक गद्दा दिलवाया जिसका 50% ही पैसा उससे लिया गया क्योंकि उसके पास था ही नहीं। हमने कहा हम स्वयं इसकी भरपाई कर देंगे, कोई बात नहीं है, तुम इसको ले जाओ और मरीज को लपेट दो इसमें। अच्छा, तो मरीज के साथ वैसा ही किया और पानी की बोतल का पानी उनको पीने को दिया मैग्नेटिक और मैग्नेटिक वाला। वो आज तक ठीक है, अभी एक सप्ताह पूर्व मुझसे मिलने आया था। अच्छा, धन्यवाद व्यक्त करने आया था कि आपने मुझे बचा लिया। हालांकि मैं बचाने वाली कौन होती, ईश्वर बचाता है, रास्ते वैसे ही बना देता है क्योंकि हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे पश्यन्तु भद्रं, की कृपा से वो बहुत। आपने बताया था कि आपकी बिटिया को भी कोई प्रॉब्लम थी? हाँ, मेरी बिटिया को प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में थी कि उसको ठंडे पानी से नहाते हुए या ठंडे मौसम में या ठंडी हवाएं चलती थी तो नहाते समय उसका ये अंगूठा नीला पड़ जाता था। अच्छा, अब ये कई डॉक्टर से, हमने हार्ट के डॉक्टर से और वैसे फिजिशियन से जनरल से भी सलाह ली, तो सबने अपने अपने मतानुसार मतलब क्लियर नहीं हो पाया कि वो प्रॉब्लम है क्या। अब क्योंकि मैं होम्योपैथी हूँ तो मैंने दवा किसी की नहीं खिलाई। अच्छा। मैंने कहा जब तक ये पक्का नहीं हो जाएगा है क्या। बिल्कुल, तो जनरली ये सोचा गया कि भाई ब्लड सर्कुलेशन का ही खेल है शरीर के अंदर, और ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक है तो ऑक्सीजन की मात्रा भरपाई हर अंग को मिलती है, हर अवयव पे पहुंच जाती है जी। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही लग रहा मुझे अवरोध, मगर गद्दे पर सोने के साथ उसकी ये अभी बीच में ठंडी ठंडी हवाएं चली थी, वो कौन सा आया था तूफान, तो बारिश भी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। उस बीच जब उसने स्नान किया तो उसका अंगूठा नीला नहीं पड़ा, बिल्कुल ठीक हो चुका, ठीक है। अच्छा, और उसने जब से मेरे साथ इसमें रुचि भी दिखानी शुरू कर दी। अच्छा अच्छा, लोगों को हालांकि पहले मना कर रही थी। हाँ। पहले वो नहीं, इन सब चीजों में रुचि नहीं लेती थी। अब वो कहती है कि मम्मी, उसने देखा ना कि मैग्नेट यानी चुंबकीय शक्ति किस तरह से हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है जी। और किस तरह से वो हमारे प्राकृतिक रूप से काम करती है हमारे ब्लड के साथ, जीवन के लिए सबसे, हमारे जीवन के लिए प्रथम आवश्यकता जी चुंबकीय शक्ति की है जो हमको जीवंत रखने में और हमारे शरीर के ब्लड रक्त संचार के साथ साथ ऑक्सीजन को बढ़ाने में और उसको मेंटेन करने में सर से पैर तक जी जितने भी अंग अवयव हैं, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो किसी प्रकार का फोड़ा हो, फुंसी हो, यहाँ तक के स्किन की जो हमारी ऊपरी सतह है जी, ये मुझे ध्यान आ गया। हाँ। मेरे हाथों में काफी झुर्रियां पड़ गई थी। हाँ, हाँ, और वो बड़ी देखने में अजीब सी लगती थी। काले काले धब्बे भी थे। अब चिकनाहट है,
डर्मिस असल में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल जो स्किन सबसे दूर होती है एक्चुअली, स्किन तक ऑक्सीजन पहुंचाने में सबसे ज्यादा देर लगती है, तो वो उस वजह से आपको ये फायदा। बल्कि मैंने अपने जो मेरे निकटतम अपनी भतीजियां वगैरह हैं उनसे कहा मैंने भाई मेरे हाथों में तो कुर्बत लग रहा है, फेस के पीछे उसमें कलर में अंतर, तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है। मैं समझती हूँ कि जो 100 साल जीना चाहता है और उसने 60 की उम्र में भी अगर को इस्तेमाल कर लिया तो निश्चित रूप से वो 100 साल जिएगा। थोड़ा सा सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या प्रभु को अर्पित करता चले, खान पान का ध्यान रखे, लोगों की सेवा में अपना जीवन गुजारे और संवेदनाओं के साथ सहानुभूति के साथ बिल्कुल इसको इस्तेमाल करें, लोगों को बताएं। लोगों को आपने बहुत फायदा पहुंचाया, खुद भी आपको फायदा पहुंचाया, इसका लाभ। लेकिन एक मैं देख रहा हूं कि आज का जो सिनेरियो है, जो डॉक्टर जो है वो चाहते हैं कि मरीज मेरे पास बना रहे, वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए, ज्यादातर लोग ऐसे हैं और मैं उससे पैसा कमा लूं। आपने ऐसे टाइम पर लोगों को जिनके पास पैसे कम थे उनको आधे पैसे लेके भी गद्दा ये हमारा मैट्रेस दे दिया, जिस पे नहीं थे उसको भी एक बार दे दिया, तो ये एक आपका समाज सेवा का जो है उसको मैं प्रणाम करता हूं आपको और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो आप ही को धन्यवाद करूंगी कि आपने और ना ये बताया होता और ना आज मैं भी सुखी हूँ और मेरे द्वारा बताए हुए वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं लगभग वो सब सुखी हैं। देखिए पैसा तो भगवान भाग्य से देता है, पुरुषार्थ से देता है, परंतु पुरुषार्थ किस ओर है, परमार्थ के मार्ग पर है या स्वार्थ के मार्ग पर है? परमार्थ सिद्ध हो जाता है, स्वार्थ तो स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। और इसके लिए मैंने एक मुक्तक लिखा है, आपके जीवन का कोई अर्थ होना चाहिए, एक पल भी तो कभी ना व्यर्थ होना चाहिए, हो सके तो आत्मानुशासित जीवन सदा और स्वार्थ में भी आपके परमार्थ होना। क्या बात, बहुत बढ़िया, बड़े ही उत्तम विचार। और इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूँ। ऐसी अगर भावनाएं हम सब के साथ होने लगें तो समाज से जो दुखी और परेशान लोग हैं सभी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नमस्कार।